ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच अब हो गई मनीष दुबे की एंट्री। मनीष ने किया आलोक पर क्या खुलासा? देश में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। जहां एक तरफ आलोक मौर्य अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं ज्योति मौर्य भी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी हैं। लेकिन इस मामले में पति पत्नी के बीच अब वो की भी एंट्री हो चुकी है, यानी कि मनीष दुबे की, जो पहले इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे थे, अब वो भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बीच महुआ जिले के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का भी नाम न सिर्फ उछल रहा था, बल्कि आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इसी बीच ज्योति मौर्य मामले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए मनीष दुबे ने आलोक मौर्य पर तंज कसते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मनीष दुबे ने कहा कि आलोक कह रहा है कि उसने ज्योति को पढ़ाया है, लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाया लिखाया जाए। जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं, क्या सच में कोई हमें बना सकता है? इसके साथ साथ मनीष दुबे ने आगे कहा, जो पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है वो ये नहीं बता सकता कि कितने पेपर होते हैं। हैरत में हूँ कि इस चीज को इतना बढ़ाया जा रहा है। पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं खत्म होना चाहिए था। इस दौरान जब मनीष दुबे से सवाल किया गया कि ज्योति मौर्य से कहां मुलाकात हुई और कहां बातचीत कैसे आगे बढ़ी, तो उन्होंने इसे पर्सनल सवाल कहकर बात को टाल दिया। इसके साथ साथ होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे ने कहा, जो बातें हो रही हैं वो लाई गई हैं, इन्हें ना मैं लेकर आया हूँ और ना ही वो ज्योति लेकर आई है, कोई तीसरा आदमी लेकर आया है। इस परेशानी में हम अपना प्रोफेशनल काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब इस मामले में हमारे बोलने से समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी, हम नियमों से बंधे हुए हैं। इसके अलावा मनीष दुबे ने कहा कि अगर मैं या ज्योति आम व्यक्ति होते तो बोल देते, हमारा इस कुर्सी पर बैठना गुनाह हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी नौकरी कर रहा था, मगर पता नहीं कहां आकर फंस गया। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, इसलिए कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शासन ने ज्योति से पूरे मामले पर जवाब तलब किया था। इस पर वो शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे लोक भवन पहुंची भी थी और 2 पेज में अपना जवाब भी दिया था। उनके जवाब को अब नियुक्ति विभाग को भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, ज्योति मौर्य के पति आलोक ने आरोप लगाया था कि होमगार्ड में जिला कमांडेंट मनीष दुबे से पत्नी का अफेयर चल रहा है और वो मनीष के साथ मिलकर हत्या करवा सकती है उसकी। इस शिकायत पर डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने मनीष के खिलाफ जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी होमगार्ड के DIG संतोष सिंह को दी गई है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।